खबर से एक बार फिर मैं हूँ आपके साथ रागनी पांडे। मुद्दा कोई भी हो, कांग्रेस योगी सरकार को घेरने का हर संभव कोशिश करती है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़े हुए डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया है। पेट्रोल व डीजल के लगातार बढ़ते हुए दामों को लेकर जहां विपक्ष सरकार को घेरने का कार्य करने में लगी हुई है, वहीं आज कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खरखड़ा गाड़ी में बैठकर बढ़े दामों का विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आम जनता को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि कानपुर के मूरे कंपनी पुल के पास कांग्रेसियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जहाँ प्रदर्शन के दौरान जाम लग गया और एम्बुलेंस काफी देर तक जाम में फंसी रही। वहीं विरोध कर रहे कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हर प्रकाश अग्निहोत्री का कहना है कि जब तक सरकार बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दाम वापस नहीं लेती, तब तक ऐसे ही सड़कों पर उतरकर कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और सरकार को नींद से जगाने का कार्य करती रहेगी। जिस तरीके से 20 दिन से लगातार केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पेट्रोल और डीजल मूल्यों में वृद्धि करके आम जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है, कांग्रेस का कार्यकर्ता निरंतर सड़कों पर संघर्ष करते हुए ये मांग कर रही है कि बढ़े हुए दाम वापस लिया जाए, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम 40 डॉलर है प्रति बैरल, तो 80 रुपये लीटर तेल बेच करके जनता का उत्पीड़न करने का काम क्यों किया जा रहा है। हम आज खड़खड़ा जुलूस निकाल करके विरोध दर्द करा रहे हैं। विधायक सोहेल अंसारी जी के नेतृत्व में यह खड़खड़ा जुलूस यहाँ से आयोजित है। जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे ये मांग करेंगे कि वो केंद्र सरकार पर दबाव बना करके बढ़े हुए दाम वापस लें, ताकि इसका लाभ आम जनता को मिल सके। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस विरोध प्रदर्शन के कारण कानपुर मूरे कंपनी के पुल के पास लंबा जाम लग गया, जिसके कारण वहाँ की जनता को अपने आवागमन को लेकर काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। फिलहाल के लिए इतना। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आज की खबर।